तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। तो हल्दी का व्लॉग आप देख ही चुके हैं पहले, और अब आ गया है 21 तारीख यानी कि भाई की शादी का दिन। और यहाँ हमने अपने ब्यूटिशियन को बुलाया हुआ था और ये सेटअप हमने लगाया हुआ है। तो पहले आ गई हैं भाभी अपने मेकअप कराने के लिए, रूबी भाभी, देन उनके बाद फिर नेक्स्ट नंबर आया था फिर दोस्त का यानी कि छोटी वाली भाभी, और ये देखिए अली भैया मस्ती करते हुए, और परवीन जी दोनों बच्चों पर नज़र रखते हुए कि वो कहीं अपने लिए चोट ना लगा ले या कोई सामान ना गिरा दें। और ये देखिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ भाभी रेडी हैं, तो मैं उनका फ़ोटो शूट कर रही थी और फिर दोस्त बैठ गई है मेकअप के लिए, और ये है रूबी भाभी का फुल लुक। ठीक ही था, बस मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन मेकअप इनका ठीक ही था। और अब फाइनली आ गया है मेरा नंबर, तो यहाँ मेकअप के लिए मैं बैठ गई हूँ और इन दोनों को मैंने भेज दिया था क्योंकि इनको चोटी सेरा में वहाँ पे शामिल होना था और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। तो अब रेडी होने के बाद हम भी निकल गए हैं, तब तक मैं वहाँ पे पहुँची थी, बारात वहाँ से बैंक्वेट हॉल तक पहुँच गई थी और मैं डायरेक्ट फिर बैंक्वेट हॉल ही पहुँच गई। चाची क्या खाओगी? हैं चाची? ओ चाची क्या खाओगी? तुम क्या खाओगी? जो कुछ भी मिलेगा सब नहीं है। और वो आप क्या खाओगी? जो मिलेगा वो खा लेंगे। अली तुम क्या खाओगे? अली आप बताओ क्या खा रहे हो? आप क्या खाओगे? ओह माय गॉड, गुलाब जामुन और ये सफेद जामुन। आप क्या खाओगी? करो सैंड नहीं करो, ये देख लेना। चढ़त होने के बाद हम यहाँ आ गए थे, पहले हमने नाश्ता किया था और उसके बाद अब हम यहाँ आ गए हैं खाने के लिए। अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और घर के जो मेंबर थे वो लगातार लगे हुए थे, और वहाँ बहुत सारी वेटर्स थी जिनको उन्होंने लगाया हुआ था कि किसी को खाने के लिए भी उतना ना पड़े और ज़्यादा परेशानी ना हो। सब चीज़ें आपने टेबल पर ही प्रोवाइड करा दिया था। और उसके बाद अब आ गए हम मस्ती करने के लिए, और धीरे धीरे से निकाह हो गया था, जो मिलाई होती है वो भी हो गई थी, तो लोग जो है धीरे धीरे होकर कम हो रहे थे। और अब हम आ गए यहाँ थोड़ी थोड़ी अपनी मस्ती करने के लिए। तो रिहाना और शबाना दोनों बोल रही थी कि स्लो मोशन बनाओ, तो कुछ उनके स्लो मोशन से इधर बन रहे थे। हम सब इकट्ठे हों और मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये देखे रिहाना की स्लो मोशन बनाते हुए, तो यहाँ निकाह हो गया था, मिलाई हो गई थी, और उसके बाद ज़्यादातर लोग चले भी गए थे, तो यहाँ से हम भी घर के लिए निकल गए थे। और उसके बाद हमने तैयारी की वहाँ जाकर भाभी लोगों ने, क्योंकि दुल्हन हमारे घर आने वाली थी, क्योंकि ये मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, तो जो दुल्हन है अपने असली घर जाने से पहले पहले कहीं और उतारा जाता, वहीं नाश्ता पानी होता है। हाँ तो क्या काय की तैयारी की भाई आपने? तो मतलब जिठानी जो है देवरानी का स्वागत करने की तैयारी में बैठे। और भाई आप क्या करोगे? थोड़ा सा डांस करके दिखा दोगे? सब ठीक है। और जेठ जी आप क्या करोगे? और यहाँ ना तुम तो तैयार बैठी हो और तुम्हें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा। अरे यार भाई आप क्या करोगे? मेरी तो पैंट फट गई। आज गुड्डू भाई के साथ भाई कांड हो गया है। अब शबाना अब तुम्हारा वाला काम। लेकिन आज क्या हुआ वैसे ये बताओगी? मोस्टली ये काम किसका था भाभी? हर फंक्शन में। तो गाइस हम बैठे हैं नई बहू के स्वागत के लिए। ये हमारी छोटी बहू और ये हमारी बड़ी बहू, ये बड़ी जिठानी और ये उनसे छोटी जिठानी, ठीक है। और ये है तो है ही रिहाना। तो हम यहाँ बैठे हैं स्वागत के लिए क्योंकि बारात अभी लौट कर आई नहीं है, दुल्हन का अभी विदाई नहीं हुई है। और शबाना बेचारी थोड़ी सी टेंशन में बैठी, उसके कपड़े तैयार नहीं हुए कल के लिए। और परवीन जी थोड़ा सा रेस्ट कर आ गए हैं। बेचारे गुड्डू भाई के ऊपर मुझे बहुत थोड़ा सा तरस आ। हेलो हाय करो, हेलो हेलो करो। अच्छा सबको सलाम कर दो, सलाम करो। सलाम कर देना। अरे वाह
चलो चलो कर। चलो चलो भाभी seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to see. डेढ़ साल की तो वहीं से आया तो गाइस अब हमारा आ रहा है बेस्ट कपल डांस। तो चलिए चलो भाई आज सबको जोड़े से ले जाएंगे तेरे आना रजा भाई को बुला हाँ। तो फ्रेंड्स बारात आ गई, बारात तो वैसे आ गई थी लेकिन फाइनली दुल्हन आ गई है। ये आ रहे हैं दुल्हन के जेठ, अंधेरे में अभी जरा रोशनी डालते हैं हम इन पे, जरा सामने आ जाएं ये नजर आए। तो जेठ जी ले आए दुल्हन को, चलो तो हम रिसीव करने जा रहे हैं। बिटिया मेरी, ये बिटिया खूब डांस की है इसने। और ये बैठे हमारे पापा इंतजार में कि दुल्हन आ रही है और हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और ये आ गई है लेडीज पार्टी सारी।
अभी तो गाड़ी आई नहीं है। हाँ, दुल्हन घर आ गई, नाश्ता पानी हो गया, जो रिचुअल होते हैं वो हमने पूरे कर लिए। डांस मस्ती इसी तरह से यहाँ चल रही थी, सारा माशाल्लाह पूरा घर भरा हुआ था, सब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से दुल्हन चली गई चाची के घर, जहाँ पर उनका अभी रेजिडेंस है। और नेक्स्ट डे भतीजे का वलीमा है, क्योंकि उनकी 20 तारीख की शादी थी, तो शादी में परवीन जी गए थे, उसी दिन भाई की हल्दी भी थी, और ये हम हो गए हैं रेडी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग। तो आज है भतीजे का रिसेप्शन, जिसकी परसों शादी थी, और भाई की शादी कल थी, वो आपने देख लिया शॉर्ट्स में। और आज मैं जा रही हूँ भतीजे की रिसेप्शन में, वलीमा में। तो दिखाते हैं वहाँ पर क्या है, कैसा अरेंजमेंट है, दूल्हा दुल्हन कैसे हैं। और ये है मेरा फुल लुक, मैंने डाला है इस तरह से गाउन। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं वलीमे में, जहाँ पर पूरी फैमिली वहाँ पर मेरा वेट कर रही है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे वेन्यू। और यहाँ हम आ गए हैं भतीजे के वलीमे पर, उनके वेन्यू पर हम पहुँच गए हैं। रिहाना भी आ गई है, शबाना अभी थोड़ा पीछे आ रही है, ये भाभी और ये रिहाना की ननद। फुल ब्लॉग इसका देखना ना भूलिएगा, इसका फुल ब्लॉग जल्द आएगा। तो बाय बाय।